देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो टीवी है, आप पता है आपको ये कितने की हो सकती है? ये है 20 लाख रुपए की टीवी है। जी हाँ, 20 लाख रुपए की टीवी है ये। 97 इंच की टीवी है, मतलब टीवी कम थिएटर ज़्यादा है ये। भाई साहब यहाँ पर मुझे सैमसंग का फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया, पिंक कलर में। मतलब मम्मी और बहन जो है, हमारी सिस्टर्स होती है घर में, जो लड़कियाँ होती है, वुमेंस होती है, उन्हें जो पिंक कलर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने घर के हिसाब से ऐसे फ्रिज जो है वो खरीद सकते हो। भाई साहब डबल डोर वाला है, क्या ही लग रहा है, देख रहे हो। और भाई साहब ये है सोनी, ये जो है सोनी, और सोनी से मैं जो हूँ जुड़ा हुआ हूँ आज करीबन 7-8-10 सालों से, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा सोनी में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ आपका अपना कन्हैया, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। देखिए पिछले कुछ कई वीडियोस से ना, एक मेरे साथ बहुत कॉमन चीज़ हो रही है, इंडियाज़ बिगेस्ट, यानी मेरी टाइटल जो है वीडियो की इंडिया बिगेस्ट के ऊपर ही हो रही है। तो फाइनली आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा इंडियाज़ बिगेस्ट चीज़ लेकर आऊँ, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक बार एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, ये है आज मैं आपको लेकर आया हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो में। इससे पहले हमने देखा इंडियाज़ बिगेस्ट अंडर वाटर टनल, इंडियाज़ बिगेस्ट लग्जरी मॉल, और ना जाने कितने कई इंडियाज़ बिगेस्ट हमने जो है वो देखे। सो ज़्यादा कुछ आपको मैं बोर नहीं करूँगा, अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ कि इस जगह पर जो है वो एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर इंटीरियर यहाँ पर एग्जीबिशन में, और यहाँ पर साथ ही साथ में इंडियाज़ बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो भी है। यानी यहाँ पर जो मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, जगह का नाम मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ BKC बैंड्रा में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारी वैराइटीज़ के इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको बहुत सारी डील जो है वो सस्ती भी मिल जाती है और नए प्रोडक्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। विजय सेल्स की तरफ से ये जो एक्सपो जो है, एग्जीबिशन जो है वो रखा गया है, और 100 से भी ज़्यादा जो यहाँ पर कंपनियाँ हैं उन्होंने हिस्सा लिया है, और हर साल जो यहाँ पर ये एग्जीबिशन जो है वो होता है। तो अंदर का नज़ारा मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में दिखाने वाला हूँ, और मैं आपको बता दूँ डेट जो है यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और एंड डेट जो है वो 8 जनवरी तक है। यानी 8 जनवरी तक अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो इससे पहले जो अगर आप देख रहे हो तो आ सकते हो, यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, फर्नीचर के मामले में, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मिलने वाली। ज़्यादा कुछ और ना बोलते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, आपका भाई कन्हैया जो है वो आपके लिए यही ढेर सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो लेकर आता है। चलिए अंदर चलते हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यहाँ से जो है वो टिकट काउंटर है, और आप जो है आपको 50 रुपीज़ यहाँ से एंट्री टिकट में बात करूँ, 50 रुपीज़ पर पर्सन पे एंट्री टिकट है। यहाँ से आप 50 रुपीज़ की टिकट लीजिए, अंदर जाइए, और अंदर जो है आप सब कुछ देख सकते हो, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की है वो या फर्नीचर की हो, आप उसे देखकर यूज़ कर, मतलब तो जो भी हाथ में यूज़ करके देख सकते हो, फिर उसे परचेस कर सकते हो, और अच्छी डील मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील जो है वो अंदर मिल जाती है, चाहे वो फर्नीचर पर हो, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के ऊपर हो, आपको अच्छा डील मिल जाएगा। मतलब टोटल ओवर अंदर का एक्सपीरियंस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। चलिए चलते हैं अंदर। तो फिलहाल क्रिसमस के लिए ना यहाँ पर बाहर कुछ इस तरह से सजा के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपको ढेर सारे जो है ब्रांड्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एंट्री मारते ना वी सील्स का ही जो है लोगो दिखाई देगा, और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है रखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको बोट और फायरबोल्ट, टेक्नो और सैमसंग के बहुत सारी जो आउटलेट है वो दिखाई देगी। अभी मैं आपको डिटेल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में दिखाऊंगा, चलिए। सो विजय सेल्स की तरफ से ही ये एग्जीबिशन रखा गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा ब्रांड्स जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। सारे ही ब्रांड्स जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पर लाकर, अपना अपना प्रोडक्ट जो है लाकर रखते हैं डिस्प्ले में, और यहाँ से जो लोग हैं वो ख़रीदते हैं। अच्छी डिस्काउंट्स जो है वहाँ पर हमें मिल जाती हैं, चाहे वो स्पीकर हो या मोबाइल फ़ोन्स हो या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ आप अच्छे से देख के उसे जो है बुक कर सकते हैं, और साथ ही साथ में नए नए प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर जो बहुत ही अलग प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में नए नए आते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक टीवी के बारे में बताता हूँ, आइए चलिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो टीवी है, आप पता है आपको ये कितने की हो सकती है? ये है 20 लाख रुपए की टीवी। जी हाँ, 20 लाख रुपए की टीवी है ये। 97 इंच की टीवी है, मतलब टीवी कम थिएटर ज़्यादा है ये। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये ऐसी टीवी है ना कि इसके सामने अगर थोड़ी नज़दीक पर आप खड़े रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको मोशन करवा रही है, हिल रही है, मतलब आपको ऐसा लगेगा आप ही इसके साथ मोशन कर रहे हो। इतनी बेहतरीन टीवी है कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं।
20 लाख रुपए की ये टीवी क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट ओएलईडी टीवी। जी हाँ, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ी टीवी जो है ये आज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए साइड से जो है एकदम पतली है और नीचे से भी एकदम पतली है और बीच में भी एकदम पतली है। मतलब हम कोई बहुत सारी टीवी देखते हैं जिनका साइड से पतला होता है लेकिन बीच में जो फ्रेम पीछे की तरफ होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ये पूरी तरह से चारों तरफ से एकदम स्लिम ट्रिम है और 97 इंच की इतनी बड़ी टीवी है। तो फिर ऑफकोर्स ये इतनी महंगी होगी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट टीवी होने की वजह से इसे जो है एलजी ने बनाया है और 20 लाख रुपीज़ जो है इसका दाम रखा है। सो आप देख सकते हो वर्ल्ड लार्जेस्ट ओएलईडी टीवी अपने स्क्रीन पर, जिसका दाम जो है वो 20 लाख रुपए है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो 20 लाख रुपीज़ की टीवी। भाई साहब, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और मुझे भी देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई टीवी हो सकती है जो कि हो सकती है 20 लाख रुपए की। तो कुछ इस तरह से आप अपने स्क्रीन पर ये देखिए पूरी तरह से देख सकते हो। और साथ ही साथ में ना यहाँ पर हम सैमसंग की टीवी देख सकते हैं। आप देख सकते हो ये सैमसंग की टीवी जो है पड़ती है हमें 6,34,000 की। उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं जो है कम ज़्यादा हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह का। ये जो है एलजी का वॉच टावर है, आप देख सकते हो कितना बड़ा भाई साहब। जब आप यहाँ पे शॉपिंग करते हो ना तो आपको यहाँ पर फ्री में जो है कुछ ना कुछ मिल सकता है आपको। ये जो है बाय करने के बाद यहाँ पर आपको लेकर आएंगे, लेकर आने के बाद ये जो है व्हील को गोल गोल घुमाएंगे और इनमें से कोई चीज़ आपको अगर लकी ड्रॉ में निकलती है तो आप अपने वो लकी ड्रॉ जो है वो लेके जा सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर मुझे सैमसंग का फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, पिंक कलर में। मतलब मम्मी और बहन जो है हमारी सिस्टर्स होती है घर में, जो लड़कियाँ होती है वुमेंस होती है, उन्हें जो पिंक कलर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अपने घर के हिसाब से ऐसे फ्रिज जो है वो खरीद सकते हो। भाई साहब डबल डोर वाला है, क्या ही लग रहा है, देख रहे हो। और भाई साहब ये है सोनी, ये जो है सोनी, और सोनी से मैं जो हूँ जुड़ा हुआ हूँ आज करीबन 7-8-10 सालों से, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा सोनी में। और ये यहाँ पर जो है मैं हमेशा आता हूँ, जब भी एग्जीबिशन होता है मुझे सोनी से कॉल आता है। कॉल आने के बाद हम जो है मार्केटिंग करते हैं बहुत अच्छी, और कई लोगों को मतलब पता होगा मैं सिंगर हूँ तो हम जो है ना स्पीकर्स को जो है प्रमोट करते हैं। अभी मैं आपको अपनी आवाज़ जो है इस स्पीकर पे गाना गा के बताऊँगा। और हाल ही में मैंने एक स्पीकर जो है वो किंग मिट्स द किंग जो हमारा कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें जो है मैं पार्टिसिपेट किया था मैंने, और मैं विनर रहा था। तो स्पीकर जो है एक मुझे फ्री मिलने वाला है, वो कब मिलने वाला है पता नहीं, लेकिन ये सोनी का पूरा आउटलेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा सेकंड जगह। तो ये सोनी का जो पूरा आउटलेट है बढ़िया, और मैं बता दूँ आपको सोनी का आउटलेट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर सबसे बड़ा है बेटा सेकंड, देखिए। तो ये पूरे आउटलेट अपना ही है। और सोनी की टीवी का प्राइस मैं आपको बता दूँ, अब जैसे कि मैंने आपको पहले वहाँ पर बताया कुछ इस इंच की होगी, और यहाँ मैं सामने भी दिखा देता हूँ 77 इंच की है और यूनिट 10,000 4,49,990 की है समथिंग। और टीवी देखिए काफ़ी अच्छी है, 77 इंच की है, देखो मुझे सर ये वाइड एंगल में शूट कर रहे से छोटी लगती होगी लेकिन है बहुत बड़ी। उसके बाजू में भी एक और है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और ये देखिए ये XR मिनी LED, और इसका प्राइस क्या है वो आई डोंट नो, यहाँ पर लिखा है नहीं, लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी है। और कुछ इसकी फीचर्स जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जूम करके पढ़ लेना कुछ इस तरह से है, ठीक है। सोनी भाई अपने आप में नाम ही अलग है, और मैं सोनी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि भाई कम से कम हम जो है सोनी के मेंबर कहला सकते हैं अगर कहीं हमसे पूछा जाए तो। और सोनी का आउटलेट ये देखिए पूरा, अभी मैं वहाँ पर खड़े होकर सोनी के स्पीकर को प्रमोट करने वाला हूँ। हर साल मैं प्रमोट करता हूँ, बहुत बड़ी मात्रा में स्पीकर जो है वो बिकते हैं मेरे भी थ्रू और बाकी और स्टाफ के भी थ्रू, तो इससे बड़ा लाइव भी एक स्पीकर आता है। अभी मैं आपको गाना गाकर जो है इस सोनी के स्पीकर पर सुनाऊंगा मेरी आवाज़, बस कॉपीराइट ना मिले मुझे बस, ठीक है। जो कि कुछ इस तरह से स्पीकर है यहाँ पर, तो सामने ही सोनी के हमारे पैनासोनिक का पूरा आउटलेट लगा हुआ है कुछ इस तरह से। इतने सारे प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाने आऊँ ना तो भैया रात क्या 2-3 दिन निकल जाएगा, तो बेहतर है अगर आप 8 जनवरी से पहले आ सकते हो या फिर अगर थोड़ी देरी से देख रहे हो तो नेक्स्ट ईयर जो है आप वापस से आ सकते हो यहाँ पे देखने के लिए। बहुत सारे ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं जिनके अच्छे अच्छे ऑफर जो है वो चालू रहते हैं, तो पैनासोनिक का है, आगे चलते चलो। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है गोदरेज, यहाँ पर गोदरेज का आउटलेट है, और गोदरेज के आउटलेट में आपको यहाँ पर ना दरवाजे के जो है बहुत अच्छे प्यारे प्यारे जो है जो खोलने वाले रहते हैं ना वो खोलने वाले बनाए गए हैं, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसे ये दरवाजे के जो होते हैं ना हैंडल्स खोलने वाले, देखिए ये खोलने वाला हैंडल है कुछ इस तरह से, और ये चाबी वाला हैंडल है कुछ इस तरह से। तो ये गोदरेज का लॉक वाला जो है पूरा यहाँ पर आउटलेट बनाया गया है जो दरवाजे पर लॉक लगता है। यहाँ पर आता है सैंसुई, जो कि मुझे हमेशा लगता है कि सैमसंग का भाई है क्या सैंसुई नाम है, तो लेकिन अभी तक फिलहाल इनके प्रोडक्ट यहाँ पर लगे हैं, कुछ प्रोडक्ट रखे गए हैं और कुछ प्रोडक्ट अभी आने बाकी हैं, ठीक है आई थिंक सो। और यहाँ पे कोई वाइस करके है आप देख सकते हो, यहाँ सामने हमें देखने को मिलेगा हायर का आउटलेट, और ये देखिए आउटलेट इसका बहुत बढ़िया है,
मतलब थोड़ा यूनिक, क्या बहुत ही यूनिक है, मजेदार एकदम यार। और क्या प्रोडक्ट रखा है भाई साहब ये लोग ने, जबरदस्त एकदम। अंदर नहीं जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फ्रिज अभी आप देख रहे हो सैमसंग, एलजी या जो भी, बहुत सारी आउटलेट पे था, बस नाम चेंज होता है। लेकिन आउटलेट जो है बहुत ही बढ़िया बना है भाई साहब। ये देखिए ये वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, और ये भी आई थिंक सो वॉशिंग मशीन है कि क्या है, वर्ल्ड नंबर वन फ्रीज़र है, फ्रीज़र है। और वहाँ पे कुछ चल रहा है एंकरिंग वगैरह, ठीक है। ये भी एक ब्रांड है भैया, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो चालू है। और मुझे यहाँ पर ज़्यादा करके ना मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो है वो दिखाई दे रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर कुछ मिक्सर ग्राइंडर है, और वो चिमनी जो है वहाँ पर रखी है। सबके अपने अपने प्राइस है, और प्राइस जो है मैं ज़्यादा आपको क्लियरली बता नहीं पाऊँगा। यहाँ पर एक हमें आउटलेट दिखाई दे रहा है ISB का, और यहाँ पर भी सारी आपको चीज़ें जो है दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पर सामने गोदरेज अप्लायंस का जो भी है सारे प्रोडक्ट यहाँ पर लगाए गए, और अंदर आउटलेट के अंदर प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। थिंग मेक थॉट वहाँ पर भी है, वो भी गोदरेज का ही है। और यहाँ पर आपको फिलिप्स के जो है प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया प्यारा सजाया गया। देखिए विन कीजिए, आइए यहाँ पर विन कीजिए, और विन करने के बाद जो भी है इसमें से आप खा सकते हो। यहाँ पर हमें आउटलेट दिखाई दे रहा है वर्लपूल का, वर्लपूल जो भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है, ये भी कंपनी काफ़ी पुरानी भी है और ट्रस्टी भी है। एक दो चीज़ मेरे घर में वर्लपूल का भी है। और यहाँ पर आपको एंकर जो है वो एंकरिंग करते हुए दिखाई देंगे, मेरी तरह सिंगर जो है वो सिंगिंग करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्टिविटी आपको चलते हुए दिखाई देगी। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ पर कुछ लिखा है एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट हैंड फ्री ओपनिंग। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो है लगाई गई है। और ये नीचे से खुलता है क्या भैया फ्रिज, पैर से दबाओ और फ्रिज खोल लो, लेकिन बढ़िया यार। यहाँ पर आपको ना 10% समथिंग कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिला है ऑन योर डेबिट कार्ड, ऑफर वैलिड टिल 8 जनवरी 2024, इस तरह से लगाया गया। वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड वोल्टास बिकॉज अ टाटा प्रोडक्ट। भैया टाटा प्रोडक्ट हमारे इंडिया का आप जानते हैं, रतन टाटा जी का है, तो ये आउटलेट इनका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक ब्रांड यहाँ पर आउटलेट लगाया है अपना वेगा का, आप देख सकते हो, योर पार्टनर इन स्टाइल ग्रूमिंग एंड केयर। आप आई थिंक सो यहाँ पर आपको ट्रिमर एंड ऑल या फिर जो भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। देखेंगे पैकिंग अपना एसी का सबसे अच्छा, कहीं ना कहीं नामदार कंपनी जो है, यहाँ पर आपको एसी वगैरह जो है अच्छी रेट में जो है मिल जाएंगे। आप देख सकते हो एक्जिबिशन प्राइस जो है कुछ इस तरह से, एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हो, और सारे प्रोडक्ट जो है वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर आप डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो। देखिए हिताची, हिताची भी जो है वो एसी और बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, तो हिताची के प्रोडक्ट भी अंदर लगाए गए हैं। ये भी एक एसी ब्रांड वाले हैं, यहाँ पर आप तक देख सकते हो सामने, और सामने यहाँ पर कोई ब्रांड है ब्लू स्टार। भैया एसी की कंपनी में सबसे बड़ा नाम अगर मुझे लगता है तो वो है ब्लू स्टार का। और ये देखिए क्या ही आउटलेट बनाया है लोग ने, ज़बरदस्त आउटलेट देख के दिल खुश होता है भैया कि क्या ही ज़बरदस्त बनाया है। और सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर रखे हैं, और सामने भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एसी के लगा रखे हैं। अब प्राइसिंग क्या होगी अगर मैं आपको चेक कराने आऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन 80 ईयर ऑफ एसी एक्सपर्टीज़ है इनके पास में, 80 ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़, मतलब 80 साल भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं ना घर के, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको, चाहे वो ओवन वगैरह हो, बढ़िया बढ़िया आप देख सकते हो यहाँ पे इस्त्री आयरन वगैरह, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे घर में काम आती है, चाहे हेयर ड्रायर हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक और आउटलेट है जहाँ पर आपको चिमनी, आपको ढेर सारी ओवन और आपको गैस जो चूल्हे होते हैं वो रखे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चूल्हा दिखाई देता हूँ नज़दीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से है, ये चार चौकन वाला है जो कि बहुत ईजी होता है। यहाँ पर आपने चावल रख दिया, दाल रख दी है, रोटी बना ली, सब्जी भी बना लिया, तो टोटल चार वाला है। और इसकी कीमत कितनी होगी आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ कीमत, हाँ लिखिए कीमत, देखिए यहाँ पर देखा आपने, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और ये ऊपर चिमनी भी दिखाई दे रही है देखिए ऐसे। यहाँ पर एक और आउटलेट मिल जाता है हमें फ्रैंकी करके, जो कि आप, मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारे घर में वॉश बेसिन होता है ना ढेर सारा प्यारा प्यारा, तो आप अपने फ्लैट वगैरह में अगर नया फ्लैट शिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई कहीं बंगला वगैरह बना रहे हो तो आपको ऐसा जो है लगाना है, तो आप उस तरह से जो है इतना बढ़िया प्यारा प्यारा वॉश बेसिन वाला जो है लगा सकते हो। देखिए कितना बढ़िया है, हालांकि ये बहुत बड़ा है, मैं वाइड एंगल में आपको दिखा रहा हूँ तो छोटा भी दिखता होगा, लेकिन मेरे कैमरे में फिट नहीं हो रहा है तो मुझे कैमरे को वाइड एंगल पर करना पड़ रहा है। देखिए कितना बड़ा ये,
बजाज के पंखे बड़े फेमस हैं मैंने सुने, हालांकि मेरे पास है नहीं बजाज का पंखा, लेकिन कुछ इस तरह से बजाज के पंखे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर आप आओगे ना तो आपको ढेर सारे पंखे जो हैं लगाए हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर कुछ मिक्सर ग्राइंडर है। यहाँ पर आपको वाटर हीटर्स हैं ढेर सारे एक इस आउटलेट पे मिल जाएंगे, और नाम जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ए ओ स्मिथ जो है, और ढेर सारे देखिए यहाँ पे किस तरह से वाटर हीटर रखे हैं प्यारे प्यारे। यहाँ पर एक और ब्रांड है आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इतना प्यारा सा वैक्यूम क्लीनर, इतना बढ़िया बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वैक्यूम के साथ में, बहुत सारी वैक्यूम भी वैक्यूम क्लीनर ही है। वो देखिए वो जो ज़मीन पे गोल 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 घूमता नहीं वाला, देखिए देखो दिखाता हूँ ये ज़मीन पे गोल 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 घूमता है और खुद से ही सफाई जो है कर देता है। और ये है माइक्रोफाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, ढेर सारे छोटे 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 माइक्रोफाइन जो है यहाँ पर, छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर टाइप हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर प्रेस्टीज जो है काफ़ी हमने ऐड देखे हैं, प्रेस्टीज के सारी चीज़ें आपको उपलब्ध है। प्रेस्टीज में यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा सेकंड। प्रेस्टीज में आपको यहाँ पर देखिए छोटे छोटे मिक्सर ग्राइंडर जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है प्रेस्टीज की उपलब्ध है, और यहाँ पर आप तवे वगैरह है, कुकर वगैरह है, बहुत सारे प्यारे प्यारे कुकर हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइन में हम देख सकते हैं कैंट मिनरल आरओ को, और ढेर सारे आरओ जो है यहाँ पर रखे हैं ऑलरेडी, स्क्रीन पर आप अपने देख सकते हैं यहाँ पे ये है वो आरओ। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ी फ्रिकल हो रही है लाइन, क्योंकि पंखे में भी लाइट लगी है और वो गोल 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 घूम रहा है ना इसलिए। और यहाँ पर प्रेस्टीज के बाजू में ये भी एक ब्रांड है, वहाँ पर भी सेम चीज़ें मिल रही हैं। और ये जो है बिलिंग काउंटर, लास्ट में यहाँ पर बिलिंग काउंटर आता है, ठीक है देख लीजिए। सो आपने ना अभी देख लिया इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी सारी चीज़ें थी, मैंने आपको डिटेल में धीरे 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 हर एक ब्रांड को मैंने कवर अप किया, एक भी ब्रांड जो है मैंने छोड़ा नहीं, और काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आती होगी, अगर कहीं भी अगर आपको वीडियो आई मेरी मेहनत अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ वहाँ घूम घूम के वीडियो बनाना और आप तक एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, अगर आप देखना चाहते हो ढेर सारे फर्नीचर्स, प्यारे प्यारे फर्नीचर्स या फिर कपड़े अच्छे अच्छे, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग जो है फर्नीचर और कपड़ों वाला जो है वो लेकर आऊँगा इसी एग्जीबिशन में, ठीक है। फिलहाल मैं चलता हूँ अपने काम पे, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और हाँ, गाना कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर कट गया होगा, कॉपीराइट आया होगा तो बात की बात है, तो आप इंस्टाग्राम पर जो है वो सुन सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी की ऐसी नई वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय बाय।